नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सवाल है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वेव लाइन इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी अगेन सिंपल सवाल है थोड़े से यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को चाहिए पार्टिकल वेलॉसिटी और वेव वेलॉसिटी हमें इक्वल करनी है यहाँ पर ऑल्ड सो जो अपने को इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सो वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स नाउ थोड़ा सा यहाँ पे एस और वेव दोनों के कॉन्सेप्ट अपने को चाहिए वेव वेलोसिटी जो होती है उसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा बाय के और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है जो आपके पार्टिकल की मैक्सिमम वलॉसिटी आएगी उसको हम यहाँ पर लिखते, है, लिखते हैं वी पार्टिकल मैक्सीम उसकी वैल्यू लिखते हैं हम एमेगा हालांकि right. uh, ये कैसे है इसे डिफ्रेंशिएट करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं बट डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए कि वे पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम इज ए ओमेगा अब ये दोनों यहाँ पे हमें इक्वेट करनी है विच एम्प्लाइज वी ओमेगा विल बी इक्वल टू वी पी मैक्सिमम इसका मतलब ये हुआ ओमेगा बाय के विल बी इक्वल टू ए ओमेगा और यहाँ पे अपने को पूछा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वेव लेंथ तो यहाँ पे अपने को इसका मतलब ये होगा ओमेगा यहाँ पे दोनों का कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाइज ए मल्टीप्लाइड बाय के विल बी इक्वल टू वन नाउ हो के को यहाँ पे जो आपका नंबर है के को हम यहाँ लिख सकते हैं टू पाए बाय लेमडा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज ए मल्टीप्लाइड बाय टू पाए बाय लेमडा विल बी इक्वल टू वन और हमें लैमडा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है विच एम्प्लाइज लैमडा विल भी इक्वल टू टू पाए ए ना अंडर दिस कंडीशन के लैमडा जब आपका टू पाए ए है उस केस में आपकी वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी टू पाई ए वुड बी द राइट आंसर